हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम किसी स्मार्टफोन के बारे में नहीं बल्कि एक टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं टैबलेट की स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं, प्राइस, रिलीज डेट और उसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Huawei Mate Pad Pro के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस टैबलेट के डिजाइन के बारे में। तो गाइस, इस टैबलेट में आपको मिल जाता है ग्लास फ्रंट, एल्युमिनियम बैक एंड एल्युमिनियम का फ्रेम, और साथ ही स्क्रीन में आपको मिल जाता है पंच होल फ्रंट कैमरा। साथ ही दो कलर्स में आएगा, एक ऑरेंज और एक होगा फॉरेस्ट ग्रीन। दोनों ही कलर काफी यूनिक है। तो रही बात इसके डायमेंशंस की, इसकी हाइट मिलती है आपको 159 mm की, साथ ही इसकी विड्थ मिल जाती है 246 mm की, और साथ ही इसकी थिकनेस मिल जाती है आपको 7.99 mm की, और इसका वेट होगा 492 grams। तो करते हैं बात इसकी डिस्प्ले की। इस टैबलेट में आपको मिलती है 10.8 inches की LED टच स्क्रीन, और इस काफी बड़ी स्क्रीन के साथ आपको मिल जाता है 16.7 million कलर्स की डेप्थ, और इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 2560x1600 pixels का, और पिक्सल पर इंच की डेंसिटी आपको मिल जाती है 280 की, और स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको मिल जाता है 86.5%। अब बात आती है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 10, और साथ ही आपको मिलता है Huawei का कस्टम यूजर इंटरफेस EMUI 10। और एक जरूरी बात, इस टैबलेट में आपको गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो करते हैं बात इसके प्रोसेसर की। इस टैबलेट में आपको मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 995G वाला प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, और साथ ही आपको मिल जाता है माली G76 का GPU। तो गाइस, गेमिंग करते वक्त आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, साथ ही इसमें लैग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और गेमिंग से ज्यादा इसमें आपको बैटरी भी काफी बड़ी मिल जाती है। इस टैबलेट में आपको मिलती है 7250 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, जो की एक काफी बड़ी बैटरी है, और इस बड़ी बैटरी के साथ आपको मिल जाती है फास्ट चार्जिंग जो की 40W की, साथ ही आपको वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है जो की होगी 15W की, और इससे आप दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हैं, उसमें आपको रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है 7.5W की। और गाइस, इस टैबलेट का इंडिया में प्राइस होगा नियर बाय 34,000, और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 29 May 2020, हालांकि ये अनऑफिशियल डेट है। तो अब बात करते हैं कि कुछ बाकी स्पेसिफिकेशंस की। सो गाइस, इस टैबलेट में फ्रंट और बैक में आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है। तो बैक कैमरा होगा इसका 16 MP का, जो की रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 frames per second, और सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है 8 MP का, और गाइस ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 frames per second। तो करते हैं बात इसी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस की। सो गाइस, इस टैबलेट के आपको तीन वेरिएंट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द मेमोरी। सो इसका पहला वेरिएंट होगा 128GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 6GB रैम, दूसरा होगा 256GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 8GB रैम, एंड तीसरा होगा जो इसका सबसे बड़ा वेरिएंट होगा वो होगा 512GB प्लस 8GB रैम, और साथ ही इसके साथ आपको मिल जाता है UFS 3.0 का सपोर्ट। और गाइस, UFS का मतलब यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज, और इस टैबलेट में आपको 4 लाउडस्पीकर मिल जाते हैं। बट एक नेगेटिव पॉइंट, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता, तो आपको इस टैबलेट में ईयरफोन यूज करने के लिए टाइप सी टू 3.5mm ऑडियो अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसके बॉक्स में आपको मिल जाता है, और साथ ही आपको इसमें फीचर मिल जाता है फेस अनलॉक का। और गाइस, सिर्फ यही नहीं, इस टैबलेट में आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप बड़े ही आराम से इसमें कीबोर्ड कनेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। और गाइस, सिर्फ टाइप ही नहीं, इसमें आप ड्रॉइंग भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलती है इसकी पेंसिल, जिससे आप इसको कनेक्ट करके इजीली ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।